नमस्कार, द क्रिकेट वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और मैं हूं कृष्णा सिंह। तो क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। विश्व के हर क्रिकेट प्रेमी को इस वर्ल्ड कप के त्योहार का बेसब्री से इंतजार था और शुरुआत तो इसकी हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट के इस महायुद्ध में महारथियों के बीच घमासान हो रहा है। विश्व की टॉप 10 टीमें वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपस में भिड़ रही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जीत वही पाएगा जिसके बल्लेबाजी में होगा दम और गेंदबाजी में होगी धार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम। तो बता दें आपको कि लखनऊ के काना में आज मैच खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे आमने सामने दो टीमें होंगी, ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका की टीम, ये दोनों आसी में आमने सामने होंगी लखनऊ के काना स्टेडियम में। अब तक एक भी मैच ये दोनों टीमें जीत नहीं पाई हैं, ये इन दोनों टीमों की खास बात है, यानी कि चुनौतियां दोनों के सामने होंगी। एक तरफ श्रीलंका के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात दे, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली जीत तलाशने के लिए आज इस मैदान में उतरेगी, लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर कृष्णा देखने को मिलेगी। दोनों ही टीमें अपने पहले दोनों मुकाबले हार चुकी हैं। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली जीत तलाश रही है और वहीं श्रीलंका भी अपने दोनों मुकाबले हार चुके हैं। तो देखिए दोनों टीमें ऐसी हैं जो अपने अपने मुकाबलों को हारने के बाद आज इस मैदान में उतरी है, लेकिन श्रीलंकाई टीम को इसी के साथ कृष्णा एक झटका भी लगा है क्योंकि उनका कैप्टन पिछले हुए मुकाबले में चोटिल हो गया और जिसके कारण आज कैप्टन मैदान में नहीं उतरेंगे, तो ये श्रीलंका के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। लेकिन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलियाई टीम आज दोनों आमने सामने होंगी पहली जीत की तलाश में, यानी कि इस दौरान स्टेडियम में और पिच पर कड़ा मुकाबला कृष्णा देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार मैचों का दौर तो जारी है। बातचीत करेंगे कृष्णा, लेकिन इसके साथ ही हमारे दर्शकों को बता दें कि विशेष संवाददाता, खेल संवाददाता दिलीप कापसे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप कापसे जी, समझना चाहेंगे आज होने वाला मुकाबला कितना कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ऐसी टीमें हैं जो इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। देखिए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब भी अपने दो पहले लीग मैच हारा है तो वो टूर्नामेंट से हमेशा लीग स्टेज से ही बाहर हो गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे जरूरी मैच है कि वो बड़े अंतर से आज श्रीलंका को हराए अगर उसे गेम में आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका भारत खेल रहा है उससे ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है और खास करके दो हार होने के बाद कोई अब उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन टीम है बाउंस बैक भी करती है, फाइट बैक करती है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन थे कि वो श्रीलंका को आज बड़े अंतर से हराए। जहां तक श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की तरफ से मेंडिस जिस तरह से खेल रहे थे वो अच्छी बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन टीम बाकी टीम से एफर्ट नहीं लग रहा था, तो इस वजह से एक मैच जो वो हारे। अभी उनके साथ एक और अच्छी चीज ये है कि मेंडिस क्योंकि एक अच्छे फॉर्म में, अच्छे बल्लेबाज है, शनाका दुर्भाग्यवश जो है चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन मेंडिस के हाथ में कप्तानी आने से वो हो सकता है कि थोड़ा फ्रंट से कुछ अलग तरीके से लीड करे श्रीलंका टीम को जीत जाए। तो दिलीप जी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे सवाल लेंगे। तो वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार मैचों का दौर जारी है। 5 अक्टूबर से शुरू हुए इस मुकाबले का आज 14वां मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका खेला जाना है। दोनों ही टीमों ने अब तक दो दो मुकाबले खेले हैं, लेकिन दोनों के हाथ सिर्फ हार ही लगी है। दोनों ही टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जहां भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने दोनों मैच हार चुकी है, तो वहीं श्रीलंका को भी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से करारी शिकस्त मिली है। मौजूदा वक्त में दोनों ही टीमें अपना पहला मैच जीतने की तलाश में हैं और दोनों ही टीमें अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिला हुआ है, दोनों ही टीमों का कॉन्फिडेंस। तो अगर हेड टू हेड मुकाबले की अगर बात करें दोनों टीमों की, तो देखिए दोनों ही टीमें जो आज अपनी पहली जीत की तलाश में है, लेकिन कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक दबाव इन दोनों की टीमों के ऊपर होगा। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी जरूर होगी क्योंकि अभी तक दोनों मुकाबले दोनों टीमें हारी हैं, लेकिन हेड टू हेड मुकाबले दोनों टीमों के क्या है वो जरा एक नजर ग्राफिक्स के जरिए हम डाल लेते हैं कृष्णा। तो हेड टू हेड मुकाबले में श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो अभी तक 101 मुकाबले हुए हैं और जिसमें 63 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 36 मुकाबले श्रीलंका ने जीते हैं, उसके बाद एक मैच जहां तक टाई रहा है।
तो देखिए हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि श्रीलंकाई टीम का पड़ा माना जाएगा कि कृष्णा भारी अगर माफ करेगा ऑस्ट्रेलिया टीम का पड़ा भारी माना जाएगा क्योंकि श्रीलंकाई टीम के जो मुकाबले हैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं कुल मैच सॉरी 103 हुए हैं जया मैं माफी चाहूंगा उसके लिए 103 मुकाबले हुए हैं जिसमें से चार मुकाबले टाई रहे हैं। बिल्कुल, और 63 से ज्यादा करीब मुकाबले 60 से ज्यादा मुकाबले ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीते हैं। 63 मुकाबले श्रीलंका के खिलाफ हुए मैचेस में ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है तो ऐसे में आज ये माना जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप के हेड टू हेड मुकाबले उस पर भी जरा एक नजर हम डाल लेते। कुल 11 मैचेस इन दोनों ही टीमों के बीच में हुए। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया 11 मैचेस में आमने सामने उतरी है, मैदान में उतरी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर भी श्रीलंका पर भारी नजर आई है। कृष्णा 8 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीते, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो कि इस बार के वर्ल्ड कप में भले ही खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हो लेकिन आज होने वाले श्रीलंका के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ा भारी है। जया 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है जी, 1992 के बाद कभी भी पहला मुकाबला नहीं हारी थी, पहला मुकाबला भी हारी उसके बाद फिर दूसरा मुकाबला भी हारी है। बिल्कुल, तो दिलीप मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा और इकाना में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम कितने रन खड़े करेगी? देखिए इकाना के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ऐसा ग्राउंड है, ऐसी पिच है जहां पर बैटर्स के साथ साथ बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ होता है बीच में, खासकर स्पिनर्स जो है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस लिहाज से श्रीलंका जो है वो थोड़ा सा उसको फायदा मिल सकता है क्योंकि उसके पास ज्यादा बेहतर स्पिनर है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं तो उनके पास एक ही फ्रंटलाइन स्पिनर है वो है जैम्पा, और जैम्पा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि उनसे एक्सपेक्टेशन थी। मैक्सवेल बॉलिंग करते हैं लेकिन मैक्सवेल एक एक्सपर्ट स्पिनर नहीं है, वो पार्ट टाइम स्पिनर है जो ऑस्ट्रेलिया को कभी कभार विकेट निकाल के दे देते हैं। इस लिहाज से श्रीलंका इस मैदान पे श्रीलंका के बॉलिंग अटैक जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से उनके पास ज्यादा चांसेस बनते हैं। लेकिन फिर भी बतौर टीम अगर हम देखें, अगर पेपर पर तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा मजबूत मुझे नजर आती है लेकिन करंट फॉर्म जो है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक सेटबैक ऑस्ट्रेलिया को है। बेशक श्रीलंका भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेली है लेकिन जिस तरह की पिच है लग रहा हूँ कि वहां पे थोड़ा सा जो फायदा है वो श्रीलंका को मिलता दिख रहा है। दिलीप, क्या सिर्फ जैम्पा को लेके खेलना, सिर्फ एक स्पिनर को लेके खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रहा है? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास एक जैम्पा ही एकमात्र बेहतर स्पिनर थे और वो उनके साथ यहाँ पर आए हैं लेकिन जैम्पा अभी फिलहाल जो है भारतीय जो कंडीशन है उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि दुनिया भर में इस बंदे ने विकेट लिए है, हर जगह जाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म किया है लेकिन यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, खासकर इस बड़े टूर्नामेंट में, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है और यही चीज उनको उनके साथ सबसे ज्यादा परेशानी वाली बनकर टूटी है। बिल्कुल कापसा जी, लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि श्रीलंकाई टीम के जो कैप्टन है पिछले हुए मुकाबले में वो चोटिल हो गए तो इस मैच में श्रीलंकाई टीम को एक बड़ा झटका लगा कि वो नहीं खेलेंगे, कप्तानी की जो कमान है वो कुशल मेंडिस के हाथ में गई है और क्या लगता है जया, मेरा सवाल यही है दिलीप से कि क्या लगता है कुशल मेंडिस कमान संभाल पाएंगे, क्या अच्छी कप्तानी कर पाएंगे? अच्छी कप्तानी कर पाएंगे और श्रीलंकाई टीम इस दौरान जो लड़खड़ाई हुई सी स्थिति में कैसे संभालेगी सर खुद को? देखिए कप्तान फॉर्म में हो या ना हो, अगर वो टीम से बाहर होता है तो पूरी टीम के लिए एक सेटबैक होता है और एक परेशानी का सबब तो बनता है लेकिन श्रीलंका के साथ अच्छी चीज ये है कि कुशल मेंडिस कप्तानी संभाल रहे हैं और मेंडिस ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह से परफॉर्म किया है तो ये श्रीलंका के लिए एक उम्मीद भी है कि वो कुछ अलग श्रीलंका के लिए करके दिखाए इस टूर्नामेंट में। तो मेंडिस का कप्तान, मेंडिस के हाथ में कप्तानी आना एक अच्छी बात भी कही जा सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि मेंडिस उस चीज को जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उस तरह से श्रीलंका टीम में कुछ नए ब्रांड के और परफॉर्मेंस मैदान पर ला कर दें। जया कापसा जी, एक सवाल और मेरा यह है सर कि भले ही दोनों टीमें ऐसी हैं जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पाई हैं लेकिन आमने सामने अगर आती हैं तो अभी तक के जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा ही श्रीलंकाई टीम पर भारी पड़ी है, तो आज आपको मैदान में क्या होता नजर आ रहा है या क्या कोई चमत्कार आज हो सकता है, कोई टर्निंग पॉइंट या कौन सा ऐसा सितारा, कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो आज चमक सकता है दोनों ही टीमों में से? देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर है वार्नर, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है क्योंकि वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आज मुझे लगता है कि वार्नर जो है उनके सामने एक चैलेंज है कि वो अच्छी शुरुआत दे ऑस्ट्रेलिया को और अपनी जो उनका चयन है इस वर्ल्ड कप के लिए
काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था वार्नर को, लेकिन उसके बाद भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें चुना है। तो वार्नर के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, वो जो है अच्छा परफॉर्मेंस का उनके ऊपर दबाव है। जहां तक श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस की बात है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा श्रीलंका पे भारी पड़ा है, लेकिन श्रीलंका ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस में भी ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। और श्रीलंका एक ऐसी टीम है जया, जिसके अगर स्पिनर्स मैदान पे चल जाए, अगर ट्रैक को पकड़ ले, पिच को पकड़ ले, तो किसी भी टीम को धाराशायी कर सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो या भारत ही क्यों ना हो। तो ये मैच जो है क्योंकि दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उम्मीद करके चलते हैं कि एक फाइटिंग मैच होगा, एक रोमांचक मैच होगा और दर्शकों को एक एंटरटेनमेंट मिलेगा। ठीक है दिलीप, बने रहिएगा, बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में संडे के दिन सबसे बड़े उलटफेर देखने को मिला। लगातार हार का मुंह देख रही अफगानिस्तान ने पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से हराकर अपनी जीत का आगाज किया। यह मुकाबला जितना रोमांचक था उतना ही चौंकाने वाला था। तो वही अफगानिस्तान खिलाड़ियों ने ना सिर्फ बैटिंग में अपना लोहा मनवा दिया बल्कि गेंदबाजी में भी इंग्लैंड को लोहे के चने चबवा दिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने शानदार तरीके से बैटिंग की। गुरबाज ने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 80 रन ठोक दिए, लेकिन जैसे ही गुरबाज रन आउट हुए ये लगा कि अफगानिस्तान कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकती, कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 284 रन ठोक दिए, जिसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड सिर्फ 215 रन ही बना सकी और पूरी टीम एक के बाद एक पवेलियन लौट गई। कल का मुकाबला जो जया रहा, क्या शानदार मुकाबला रहा। अफगानिस्तान ने कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी की और साथ ही कितनी अच्छी गेंदबाजी की। अगर बात दोनों के मुकाबलों की करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बल्लेबाजी की। गुरबाज ने बहुत अच्छे रन खड़े किए, गुरबाज ने 80 रन बनाए, तो वहीं इकराम ने 58 रन की पारी खेली। 284 रन का टारगेट, 285 रन का टारगेट दिया अफगानिस्तान ने। मतलब जो टीम कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, लगता था कि ये क्या कमाल कर पाएगी, दो मुकाबले हार चुकी है, कहीं ना कहीं परेशान है, दिक्कत में है, मुझे लगता था इंग्लैंड भारी पड़ेगी, लेकिन कल का जो मुकाबला था उसमें क्या कमाल की बेहतरीन। ये हम समझ सकते हैं कृष्णा, जैसे कि अफगानिस्तान की टीम जो अपने पहले के मुकाबले हारी हो, भली भारत के हाथों भी उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कल जो मैच हुआ उससे हम ये समझ सकते हैं कि इंग्लिश टीम जो है उसको भी हरा सकते हैं, अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल भी हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये मैच है, ये क्रिकेट है, यहाँ पर कब क्या उलटफेर हो जाए, क्या हो जाए, आप और हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वही कुछ शायद कल के मुकाबले में देखने को मिला। तो देखिए गुरबाज, जिनकी पारी की इस वक्त जमकर तारीफ की जा रही है, और ये कहा जा सकता है कृष्णा कि उन्होंने एक नींव बनाने का काम अपनी टीम के लिए किया है। 57 रनों में महज 80 रन ठोक दिए और 140 का स्ट्राइक रेट लेकर इस वक्त वो चल रहे हैं, तो अफगानिस्तान की टीम के लिए ये एक मजबूत खिलाड़ी है जिनका फायदा टीम को आगे मिलेगा। बहुत बेहतरीन कल क्या बल्लेबाजी रही, हालांकि आउट रन आउट हो गए थे, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अब ज्यादा रन नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर इकराम आए 66 गेंदों में 58 रन, अच्छा एक बैटिंग लाइनअप रहा, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा दोनों का, और एक अच्छी अच्छा टारगेट दिया इंग्लैंड को। लग रहा था कि हाँ कि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, इंग्लैंड अच्छे से खेलेगी, अच्छा रखेगी, लेकिन उसके बाद फिर जब गेंदबाजी करने उतरे राशिद खान, बिल्कुल 9.3 ओवर यानी 9 ओवर और 3 गेंदों के अंदर उन्होंने 3 विकेट झटके, और देखिए इकोनॉमी बहुत कम, ज्यादा रन नहीं दिए, अच्छे विकेट चटकाए उन्होंने, बहुत शानदार वो बिल्कुल है कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी, मतलब दोनों में ही टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इंग्लिश टीम की अगर बात की जाए तो 39 गेंद, 32 रन, 82 का स्ट्राइक रेट, डेविड मिलान की हम बात कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि लेकिन फॉर्म में खास कर नहीं पाए, तो ये शायद थोड़ी सी इंग्लिश टीम के लिए कह सकते हैं कि सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। हैरी ब्रुक 61 गेंदों पर 66 रन इन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी टीम को बचा नहीं सके हारने से। टीम को हार का सामना करना पड़ा, 284 का जो टारगेट अफगानिस्तान की टीम ने दिया था उसका पीछा करने जब उतरी इंग्लिश टीम तो कामयाब नहीं हो सकी। हैरी ब्रुक 61 गेंदों पर 66 रन उन्होंने बनाए थे। आदिल रशीद की अगर बात की जाए इंग्लिश टीम यानी कि इंग्लैंड से खेलते हैं, विकेट इन्होंने ही लिए जया, 10 ओवर फेंके जिसमें 3 विकेट लिए, लेकिन टीम मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को जल्दी आउट कर सकते थे, जल्दी विकेट गिरा सकते थे, लेकिन कल कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए इंग्लैंड, ना गेंदबाजी में ना बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में सिर्फ अगर आदिल रशीद की बात की जाए तो सिर्फ
तीन विकेट लेके 10 ओवर जो फेंके उन्होंने, 10 ओवर में 3 विकेट झटके, उसके बाद कुछ खास किसी का कमाल मुझे दिखा नहीं। लेकिन जब बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड और गेंदबाजी करने उतरी अफगानिस्तान, तो कुछ अलग ही कमाल दिखा, अलग ही करिश्मा दिखा, कुछ मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान दबाव शुरुआत से ही बनता रहा। जो वहां पे फैंस थे वो अफगानिस्तान के नारे लगा रहे थे। उससे पहले जब विराट कोहली और इमरान अकमल की जो दोनों के बीच तकरार देखने को मिला था, उनका तो उनके खिलाफ जो मामला था पूरा एकदम ऐसा लग रहा था इससे पहले कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी उन्हें कहीं ना कहीं, जो आईपीएल में जो देखने को मिला उनके खिलाफ मामला ऐसा लग रहा था चीयर कर रहे थे जैसे अफगानिस्तान का ही पूरा फैन सपोर्ट यहां पे आके बैठ गया है। दिलीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कल के मैच के बारे में, कैसा रहा मैच, क्या लगा आपको कि अफगानिस्तान क्या कुछ अब आगे कमाल करती दिखेगी आपको? देखिए, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जो है अब तक केवल एक ही मुकाबला जीते थे स्कॉटलैंड से, और लास्ट 14 मैचेस जो है वो लगातार हारते हुए जा रहे थे। अफगानिस्तान जिस तरह की टीम है, जिस तरह की बॉलिंग यूनिट है उनके पास और जिस तरह की बैटिंग है, तो एक उम्मीद थी कि एक बड़ा अपसेट वो इस वर्ल्ड कप में कर सकती है। सभी को था कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं एक अपसेट तो करेगी। अब वो टीम जो है वो इंग्लैंड बनी, और ये बड़े मजे की बात है कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो अक्सर अपसेट का शिकार होती है, और कल पांचवी बार वो इस तरह का अपसेट इंग्लैंड ने झेला। हमने देखा है पहले 92 में जिम्बाब्वे से वो हारे थे, 2011 में बांग्लादेश, और फिर आयरलैंड से हारे थे 2015 में, एक दफा फिर बांग्लादेश से हारे थे, और कल फिर अफगानिस्तान जो है उनके हाथों उनको एक बड़ी हार झेलनी पड़ी। कल के मैच के लिए सबसे बेहतर चीज ये रही अफगानिस्तान के साथ कि उनको गुरबाज ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिलाया। एक समय लग रहा था कि वो 300-325 के करीब जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने इंग्लिश बॉलर ने जो है फाइट बैक किया और उन्हें 280 पे रोका, जो मैं समझता हूँ कि 30-35 रन उन्होंने कम से कम बचाए थे। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग पर ये आए और नवीन ने सफलता दिलाई शुरुआती, फिर बाद में राशिद खान ने जिस तरह से उनके ताबूत में आखिरी गेंदों की इंग्लिश बल्लेबाजी की, तो उससे बल्लेबाजी जो है पूरी तरह से उनकी कमजोर साबित हुई और खत्म हो गई। कल का मैच अफगानिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखिए उनके फैंस जो है वो बड़े चीयर अप करते हैं, बड़ी दूर दूर से उनके मैचेस देखने जाते हैं और कभी निराश नहीं होते कि उनकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनको भी ट्रस्ट है अफगानिस्तान के ऊपर कि हमारे पास जो है वर्ल्ड क्लास जो है बॉलर्स है और बेहतर बल्लेबाजी है। अफगानिस्तान की टीम अगर कहीं लैक करती है तो थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत ज्यादा बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है और अफगानिस्तान की टीम के सामने जब वो आई होगी मैदान में सर, तो काफी कॉन्फिडेंस हाई होगा और शायद यही सोच रही होगी कि अफगानिस्तान को हम तो चुटकियों में ढेर कर देंगे, लेकिन क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की टीम अब आने वाले मैचेस में भी बाकी टीमों को आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती दे सकती है, चैलेंज बन सकती है? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान जो है किसी भी टीम के लिए अपने डे पे परेशानी खड़ी कर सकती है, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो या फिर न्यूजीलैंड हो या फिर कोई भी और टीम हो। देखिए, उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो मुजीब और राशिद है। मुजीब और राशिद जैसा स्पिनर जो है वो बिरले मिलते हैं, बहुत कम टीमों के पास उस तरह का स्पिन अटैक है, और अगर उनके बल्लेबाज उन्हें सपोर्ट कर दे, जिस तरह से मैंने कहा कि अफगानिस्तान ऐसी टीम है अगर उनके बल्लेबाज बोर्ड पर 250+ का स्कोर तभी भी लगातार दे दे, तो अफगानिस्तानी बॉलर्स उस टोटल को स्पेंड करने में सक्षम है। और यही एक बात है कि उनकी बल्लेबाजी जो है गेंदबाजी के मुकाबले कमजोर है। कल भी हमने देखा कि अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद, क्योंकि मैच्योरिटी थोड़ी सी कम है अफगानिस्तान बल्लेबाजी में, इस वजह से वो उस तरह से गेम को आगे बढ़ा नहीं पाते। जिस दिन उस मैच्योरिटी को, उस एक्सपीरियंस को पालेंगे वो, न केवल बरसगीर की उपमहाद्वीप की, सब कॉन्टिनेंट की ही नहीं, पूरी दुनिया की बेहतर टीम बनेगी। और इस टीम पर मुझे इसलिए भी ज्यादा विश्वास है क्योंकि ये कम समय से क्रिकेट खेलते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर किया है। बिल्कुल, और कापसे जी नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर विश्लेषण करने के लिए, लेकिन आखिर में वही बात है कि जो बेस्ट होगी वो ये वर्ल्ड कप लेकर जाएगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023
भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा। बांग्लादेश से भिड़ने वाली टीम इंडिया पहुंच चुकी है, इंडिया पुणे पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश और इंडिया, इन दोनों टीमों के बीच में अगला मुकाबला खेला जाना है, पुणे में ये मैच होगा। इंडियन टीम के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, 19 अक्टूबर को पुणे में ये आमने सामने होगी। भारतीय टीम जहां लगातार अपने तीनों मैचेस जीत चुकी है और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला हुआ वो तो हम भूल ही नहीं सकते। भारतीय टीम अपने मैचेस जीत चुकी है जितने भी अभी तक मुकाबले हुए हैं, और पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से जो हारी हुई है, और उसके बाद बांग्लादेश की टीम के साथ भारतीय टीम का मुकाबला है। तो तीन में से सिर्फ एक ही मुकाबला बांग्लादेशी टीम जीत पाई है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। पहला मुकाबला था, दोनों टीमें जब आमने सामने होंगी तो देखने लायक होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। कॉन्फिडेंस काफी हाई है भारतीय खिलाड़ियों का, प्रबल दावेदार भी कृष्णा इस वर्ल्ड कप के लिए उन्हें माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम के साथ जब मैच होगा तो एक अलग ही मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल द क्रिकेट कप वॉर में इतना ही, लेकिन खबरों के ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।